चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी के एन ए 127 से कागजात नामजदगी पर एतराज़ दायर कर दिया गया है। रिटर्निंग ऑफिसर को कागजात नामजदगी पर एतराज़ की दरख्वास्त जमा करा दी गई। मौकफ इख्तियार किया कि एक वक्त में एक शख्स दो जमातों का रुकन नहीं हो सकता। शहरी मोहम्मद अयास की दायर दरख्वास्त के मुताबिक बिलावल भुट्टो सरदारी ने अपने कागजात नामजदगी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन से वाबस्तगी का इजहार किया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस अलग अलग सियासी जमातें हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इंतखाबी निशान तलवार और पीपल्स पार्टी का पार्लियामेंटेरियंस का निशान तीर है। बिलावल भुट्टो पीपल्स पार्टी के चेयरमैन और आसिफ अली जरदारी पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के सदर हैं। इलेक्शन एक्ट 2017 के मुताबिक एक शख्स एक वक्त में एक ही जमात का रुकन हो सकता है। ये इलेक्शन एक्ट के खिलाफ वर्जी है। रिटर्निंग ऑफिसर कानून के मुताबिक कार्रवाई करे। रिटर्निंग ऑफिसर को कागजात नामजदगी पर एतराज़ की दरख्वास्त जमा करा दी गई। मौकफ इख्तियार किया कि एक वक्त में एक शख्स दो जमातों का रुकन नहीं हो सकता। शहरी मोहम्मद अयास की दायर दरख्वास्त के मुताबिक बिलावल भुट्टो सरदारी ने अपने कागजात नामजदगी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन से वाबस्तगी का इजहार किया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस अलग अलग सियासी जमातें हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इंतखाबी निशान तलवार और पीपल्स पार्टी का पार्लियामेंटेरियंस का निशान तीर है। बिलावल भुट्टो पीपल्स पार्टी के चेयरमैन और आसिफ अली जरदारी पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के सदर हैं। इलेक्शन एक्ट 2017 के मुताबिक एक शख्स एक वक्त में एक ही जमात का रुकन हो सकता है। ये इलेक्शन एक्ट के खिलाफ वर्जी है। रिटर्निंग ऑफिसर कानून के मुताबिक कार्रवाई करे। रिटर्निंग ऑफिसर को कागजात नामजदगी पर एतराज़ की दरख्वास्त जमा करा दी गई। मौकफ इख्तियार किया कि एक वक्त में एक शख्स दो जमातों का रुकन नहीं हो सकता। शहरी मोहम्मद अयास की दायर दरख्वास्त के मुताबिक बिलावल भुट्टो सरदारी ने अपने कागजात नामजदगी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन से वाबस्तगी का इजहार किया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस अलग अलग सियासी जमातें हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इंतखाबी निशान तलवार और पीपल्स पार्टी का पार्लियामेंटेरियंस का निशान तीर है। बिलावल भुट्टो पीपल्स पार्टी के चेयरमैन और आसिफ अली जरदारी पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के सदर हैं। इलेक्शन एक्ट 2017 के मुताबिक एक शख्स एक वक्त में एक ही जमात का रुकन हो सकता है। ये इलेक्शन एक्ट के खिलाफ वर्जी है। रिटर्निंग ऑफिसर कानून के मुताबिक कार्रवाई करे। रिटर्निंग ऑफिसर को कागजात नामजदगी पर एतराज़ की दरख्वास्त जमा करा दी गई। मौकफ इख्तियार किया कि एक वक्त में एक शख्स दो जमातों का रुकन नहीं हो सकता। शहरी मोहम्मद अयास की दायर दरख्वास्त के मुताबिक बिलावल भुट्टो सरदारी ने अपने कागजात नामजदगी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन से वाबस्तगी का इजहार किया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस अलग अलग सियासी जमातें हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इंतखाबी निशान तलवार और पीपल्स पार्टी का पार्लियामेंटेरियंस का निशान तीर है। बिलावल भुट्टो पीपल्स पार्टी के चेयरमैन और आसिफ अली जरदारी पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के सदर हैं। इलेक्शन एक्ट 2017 के मुताबिक एक शख्स एक वक्त में एक ही जमात का रुकन हो सकता है। ये इलेक्शन एक्ट के खिलाफ वर्जी है। रिटर्निंग ऑफिसर कानून के मुताबिक कार्रवाई करें।